कि मेरे मन में एक टीस है कि मैं 5100 रुपये पेंशन, मैंने बोली थी अगर मेरी सरकार होगी तो 5100 रुपये पेंशन हम अपने जो 60 साल से ऊपर से लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, विडो महिलाएं हैं, अपंग लोग हैं, उनको देने का काम करता अगर मेरी सरकार इंडिपेंडेंट सरकार, ये बात उन्होंने कही थी। और वो वाजिब बात है, जब हमने मैनिफेस्टो जारी किया तो यही बात कही थी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 5100 रुपये पेंशन करने का काम। फिर भी होता है, इसमें कोई शक नहीं है, बड़ी खुली बात उन्होंने कही कि अगर मैं चीफ मिनिस्टर होता तो मैं ये पूरा करता, लेकिन ये भी कहा कि अब भी प्रयास है कि और बढ़ोतरी इसमें करने का काम। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारी अचीवमेंट्स हमारी रही हैं, जो बातें हमने लोगों से वायदा नहीं किया था वो भी हमने की है। और इस बात को लेकर के चलें कि क्या 75% प्राइवेट सेक्टर के अंदर बच्चों को रोजगार देने की बात किसने सोची थी, वो करके दिखाया। माननीय मुख्यमंत्री ने, माननीय मुख्यमंत्री ने ये प्रोग्राम लेकर के आई, और मैं मान के चलता हूँ कुछ ही दिनों के अंदर हमारे देश के, हमारे हरियाणा के प्रदेश के बच्चे